हेलो स्टूडेंट्स, अपना जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये सिक्स्थ लैक्चर है जी स्ट्रेट लाइन दे उत्ते। ते मेरा ख्याल है तुहाडे पास कि ये काफ़ी चीज़ें कवर कर देगा तुहाडियां तुहाडे कोल, ठीक है जी। कुछ अगर इस तरह की चीज़ होवे क्वेश्चन दे विच कि आलसो फाइंड द प्लेन, वो फिर आप प्लेन एंड लाइन वाले टॉपिक करांगे, क्योंकि कई बुक्स इस तरह है कि स्ट्रेट लाइन के नाल ही कुछ प्लेन का भी कंडीशन दिती होंगी है, वह क्वेश्चन मैं स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन सैक्शन डिस्कस करूँगा। तो इस करके सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही आपने पहला डिस्कस करनी है। हुण आप थोड़ा जिहा सिचुएशन तो हट के, मतलब मैनू लाइन दे दिती तुहाडे कोल, सो एक क्वेश्चन ध्यान ना देखियो, सारे हो जाएंगे। थ्री आई इत्थे, एट जे इत्थे, थ्री के प्लस लैमडा आ गया जी। थ्री आई माइनस जे प्लस के, ठीक है जी। एंड आर इज इक्वल टू माइनस थ्री आई माइनस सेवन जे प्लस सिक्स के म्यू, ठीक है जी। माइनस थ्री आई प्लस टू जे प्लस फोर के, सो आर इज इक्वल टू जिहड़ा है थ्री आई प्लस एट जे प्लस थ्री के जी। उस तो बाद है लैमडा थ्री आई माइनस जे प्लस के, माइनस थ्री आई सैवन जे तो छे के आ गया, तो म्यू हो गया जिहड़ा थ्री आई तो। सो ठीक है, तो अनु पता की कह रहे हैं, एक तो उन्हें क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दूसरा लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है जी। आ दो चीज़ा कहती हैं। सो अगर तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल आ कंडीशन क्वेश्चन च आ जाती है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, का तुहानू मैथड चेंज करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आ पहली लाइन है, दूजी लाइन है, स्क्यू लाइन है, आ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। वैसे तो डायग्राम गलत ही होंगी, पर समझाने लिए तो लै सकते आप। तो आ शॉर्ट है, तुझे को अगे जाके आ, फिर तो अगे जाके मिल ही जाना, पर आप स्क्यू लाइनज़ रखी हुई हैं ना तुहाडे कोल, इस करके आप नहीं कहते मिल जाना। कुछ चीज़ा थ्री डायमेंशन जमैट्री टू डायमेंशन प्लेन उत्ते पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो अजम्पशन रहनगियां। तो जिहड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैगा तुहाडे पास, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इहदा मतलब मान लो मैं इहदा ना ए बी रखा, ए मेरी एल वन होगी, ए मेरी एल टू होगी, तो मैं फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी, और ए बी दी इक्वेशन लई मैनू रिक्वायर्ड की हैगा, रिक्वायर्ड मैनू हैगा पॉइंट्स ए एंड बी। सो मैनू ए एंड बी पॉइंट रिक्वायर्ड है। तो जिहड़ा मैथड असी वैक्टर वाला लाते सीगे, उस विच किते भी पॉइंट कढ़न दी कोई फैसिलिटी नहीं सानू मिली सी, ठीक है जी। एक क्वेश्चन कराना, तुसी चार क्वेश्चन बुक चो करके देख लैने ने, ठीक है जी, तुहाडा कम हो जाना तुहाडे को। सो आपां नूं जिहड़ा हैगा इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिहड़ा हैगा तुहाडे को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी, इत्थे मैनू पॉइंट्स चाहिए ने, तो पॉइंट चाहिए हैं, तो उस तो बाद फिर इन्हों का डिस्टेंस फार्मूला लग जूगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकल जूगा थोड़े को। तो इस करके अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो तुसी इक्वेशन कार्टीजियन फॉर्म च लिखना है। सो एक्स माइनस एक्स वन पहले फिक्स पॉइंट चो लाइन पास करती होंगी है, दूजे चो उन्हें डायरेक्शन रेशोस देनिया होंगे। तो पहला फिक्स पॉइंट कौन है तीन, दूजा फिक्स पॉइंट कौन है एट, तीजा फिक्स पॉइंट कौन है थ्री। सो एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एट तो जैड माइनस थ्री, ठीक है जी। तो ये वाला मेरा पॉइंट हो गया, तो नीचे आ गया तीन माइनस एक तो एक, पर मेरा ख्याल है जी थोनों किसी नो डाउट नहीं गा, थ्री आई अठ जे, मतलब सॉलिड ज्योमेट्री बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन की गेम है बिल्कुल। ये इंटैग्रेशन नहीं है कि तो भी चक के आपको स्टेटमेंट आ जाए तो आप घूमते फिरिए, नहीं। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आना तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही आना, सब तो वधिया मैथ विच टॉपिक है ये, ये सब तो सौखे नंबर स्कोर होंगे। सो इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिहड़ा हैगा है वो आपां ने लेना हैगा तुहाडे कोल। जदों आपां इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है तो तुसीं पहला कार्टीजियन च उन्हों एक्सप्रैस करो। सो एक कार्टीजियन च एक्सप्रैस कर ली, इहदा नाम मैं लैमडा रख लिया, ये मेरी एल वन लाइन होगी। सो एल वन है, बड़ा लिख लिया छोटा लिख लिया कोई फर्क,
तो एल वन लाइन होगी जी मेरी तो डिकोल, ठीक है। तो जिहड़ी मेरी एल टू लाइन होएगी वह किदां दी होएगी, सो दूसरी लाइन इहदे नाल तुहानूं एक तां वैक्टर फॉर्म तो कार्टीजन फॉर्म च लिखनी भी आ गई, दूजी एक्स माइनस पास की चो करते तीन चो तो प्लस तीन हो जाएगा, सो वाई माइनस पास किवें करते क्योंकि एक्स माइनस जी चो पास होना हुंदा तो माइनस आलरेडी है तो इत्थे सत्त हो गया, तो उस तों बाद जैड जैड माइनस छे हो गया, तो यह हो गया। तो डायरैक्शन रेशोज इतों मिलने ने माइनस तीन, तो डेफिनेटली डायरेक्शन रेशियो ने कोसाइन होते तो स्केयर करके ऐड करे तो वन बन जाता, सो ए वाली थोड़ी लाइन नंबर दो होगी, इसनों तुसी मूव कर लिया। तो जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट एनी पॉइंट ऑन लाइन वन है, एनी पॉइंट ऑन लाइन वन, सो ए वन जिहड़ा है वह एनी पॉइंट ऑन लाइन वन हैगा। तो जे आप एनी पॉइंट ऑन लाइन वन लैना है, एनी मैंने जो पोजिशन साडा दिल करेगा असं उसनों उस पोजिशन पर रखांगे तुहाडे कोल, तो अगर आप एनी पॉइंट लेना है तो तुसी देखो ये आ गया थ्री लैमडा प्लस थ्री, ये पहला आ गया, दूजा माइनस लैमडा प्लस एट, आ देखो थ्री लैमडा प्लस थ्री माइनस लैमडा प्लस एट, ठीक है। उस तो बाद लैमडा प्लस थ्री, ठीक है जी, सो एक दो तीन, ठीक हो गया जी। तो दूसरा वाला जिहड़ा पॉइंट आ गया वह आ गया तुहाडे कोल माइनस थ्री म्यू माइनस थ्री, दो म्यू माइनस सैवन, चार म्यू प्लस छे, ठीक है जी। सो ये दो पॉइंट आ गए, तो मैनू ए ते बी पॉइंट मिल गए तुहाडे पास। अब डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशो का फार्मूला की होंगे तुहानू पढ़िया सी ना, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन एंड जैड टू माइनस जैड वन। सो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, नंबर कहो या रेशो को कोई फर्क नहीं पैंदा। तो दूजा माइनस पै, ये देखो आ वाली चीज़ है, इस विच वो चीज़ घटनी है, सो माइनस थ्री म्यू माइनस थ्री लैमडा माइनस थ्री, दूजा टू म्यू माइनस सैवन प्लस लैमडा माइनस एट, तीजा फोर म्यू प्लस सिक्स माइनस लैमडा माइनस थ्री। सो मैं इतने फोल्ड करके दिखा देना तुम्हें स्क्रीन पर कि तुसी ये देखो, दूजा थ्री म्यू माइनस थ्री, थ्री म्यू माइनस थ्री माइनस थ्री लैमडा माइनस थ्री, टू म्यू माइनस सैवन, टू म्यू माइनस सैवन चो माइनस होया तो प्लस हो गया माइनस एट माइनस, सो मैं लिखा नहीं सही, टू म्यू माइनस सैवन माइनस लैमडा तो ठीक है माइनस प्लस हो, तो फोर म्यू प्लस सिक्स माइनस लैमडा माइनस थ्री माइनस, सो ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तुसी लिख लिया, तो जो तुसी लिख लिया तो कोल तो ऑप्शन की आई, ऑप्शन अपने कोल जो आप डिफरेंस लिया, डिफरेंस पहले चो दूजा दूजे चो पहला कोई मैटर नहीं करता, सो माइनस का थ्री लैमडा माइनस का थ्री म्यू, ठीक है जी, सो ब्रैकेट इदा ही रख लो कोसाइन ली होंगी, माइनस थ्री लैमडा माइनस थ्री म्यू तो माइनस छे, ठीक है जी। उस तो बाद लैमडा प्लस दो म्यू, ठीक है जी, लैमडा हो गया जी थोड़े पास प्लस दो म्यू हो गया, आ रहा लैमडा आ रहा दो म्यू, तो अठ सत्त पंद्रह हो गया, तो दूजी ऑप्शन भी क्लीयर होगी। तीजी माइनस लैमडा प्लस फोर म्यू, ठीक है जी, तो प्लस का तीन हो गया, सो ये वाली चीज़ होगी। तो मेरा ख्याल है जी कोई दिक्कत वाली गल है नहीं गई थोड़े पास, सो थोड़ा अक्षर छोटे हो गए, माइनस लैमडा है, सो डिफरेंस लेना मैं दोबारा लिख देना जी, थ्री लैमडा माइनस थ्री म्यू माइनस छे, एक लैमडा प्लस दो म्यू माइनस पंद्रह दो, माइनस लैमडा प्लस चार म्यू प्लस थ्री, ये मेरी तीसरी ऑप्शन आ गई। सो मैं उन्होंने ही दोबारा बोल्ड करके लिख दिता। सो जो ये चीज़ लिखी गई थोड़े तो कोल, हूँ पहली वाली डायग्राम देखो, सो एक क्वेश्चन बहुत ध्यान ना समझना, एक एक्सरसाइज हो जानी है क्योंकि दस बारह क्वेश्चन एक्सरसाइज सेम दते हुए हैं। हूँ मेरी जी लाइन है जिस दे मैं डायरेक्शन नंबर कटे है, ये वन ते भी परपेंडिकुलर है, टू ते भी परपेंडिकुलर है, सो लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ एल वन एंड एल टू।
सो जे दोनों ते परपेंडिकुलर होएगी तो केड़ी कंडीशन आलवेज ट्रू है, वो आ वाली ट्रू है कि एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इक्वल टू जीरो होंदा है। ठीक है जी, सो ए वाली चीज़ जेड़ी हैगी है तुहाडे कोल। अब ए हैगा तुहाडे कोल पहली वाली ऑप्शन, ए दूजी वाली ऑप्शन, ए तीजी वाली ऑप्शन। ठीक है, इनू तुसी एल वन लेना है तो फिर एल टू किसनू लेना, आ एदा 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 ते एदा एदा एदा। सो एल वन, एल वन उधरों थ्री ले लो इंटू माइनस थ्री लैमडा माइनस थ्री म्यू माइनस सिक्स। एल वन दूजा फिर माइनस वन है लैमडा प्लस टू म्यू माइनस पंद्रह, तो तीजा वन है जी, वन का होगा माइनस लैमडा प्लस चार म्यू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। सो ये ऑप्शन आ गई जी। सो इस ऑप्शन दे आपां सावना पहला एक इक्वेशन सिंपलीफाई कर लिए। सो एक इक्वेशन सिंपलीफाई करिए तो ये सिंपलीफाई कितना होएगी जी, माइनस का नौ लैमडा। ठीक है जी, माइनस का नौ, माइनस एक लैमडा, आ माइनस एक लैमडा, फिर माइनस एक लैमडा। ठीक है जी, ये हो गया। उस तो बाद माइनस का तीन नौ म्यू, तीन तीन नौ, माइनस का नौ म्यू, माइनस का दो म्यू। ठीक है जी, तो प्लस का चार म्यू। कॉन्सटेंट पहले च अठारह जी, तो दूसरे दे विच प्लस पंद्रह, तो तीसरे दे विच जेड़ा हैगा तुहाडे कोल ये तीन है। सो कॉन्सटेंट वाली तो टर्म ही निकल गई गेम चों। सो नौ तो जेड़ा हैगा तुहाडे पास नौ ते एक दस ते एक ग्यारह, सो ग्यारह लैमडा हो गया नैगेटिव च, ग्यारह म्यू हो गया, नहीं ग्यारह म्यू नहीं सत्त रह जाएगा, ग्यारह चो चार घटाए सत्त म्यू हो गया, इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि ग्यारह लैमडा नैगेटिव भी कर दूँ। सो ये पहली क्वेश्चन आ गई ग्यारह लैमडा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है तुहाडे पास, पर इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन ते तुहानू बहुत फोकस करना पएगा, क्योंकि जे कैलकुलेशन माड़ी जी भी उन्नी इक्की होगी सवाल का नहीं पता लगना, और सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन होंगे कई बार ही। सो ये वाली चीज़ होगी जी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी मैनू मिल गई। जदों डायरेक्शन रेशियो ऑफ मैनू ए बी मिल गई, उस तो बाद मैं प्रोडक्ट की कंडीशन लगाई, वह भी मैनू मिल गई, कंडीशन तो मैनू इक्वेशन मिल गई। ये पहली मिली है, हुण दूसरी भी लैनी हैगी है तुहाडे कोल। दूजी विच की है, आ वालिया की दूसरे वाले ना, आ एल वन एल टू एल एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एन टू। सो दूसरी वाली ऑप्शन पर भी अगेन फिर, सो अगेन असी अगेन दे विच माइनस तीन ने गुणा खाती, तो जदों माइनस तीन ने गुणा खाधी तुहाडे पास वह कि खाधी तुहाडे कोल। माइनस तीन मैं कितों लै रहा जी, आह वाला लै रहा, माइनस तीन दो ते चार। ठीक है जी, सो माइनस तीन ने गुणा खाधी तीन लैमडा माइनस तीन म्यू माइनस छे, माइनस तीन तो बाद प्लस का दो आ गया जी, प्लस के दो ने जिहड़ी गुणा खाधी हैगी तुहाडे कोल लैमडा प्लस टू म्यू माइनस फिफ्टीन, तो उस तो बाद प्लस का चार आ गया जी, चार ने खाधी माइनस लैमडा प्लस फोर म्यू प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है। तो जो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हैगी है तो यह फिर आ गया तीन ती नौ लैमडा। ठीक है जी, उस तो बाद प्लस दो लैमडा तो माइनस चार लैमडा, लैमडे पूरे हो गए तो नौ म्यू आ गया, तो चार म्यू आ गया, तो सोलह म्यू आ गया। ठीक है जी, उस बाद अठारह कॉन्सटेंट आ गया, तीह कॉन्सटेंट आ गया, तो चार तीह बारह कॉन्सटेंट आ गया, और मेन गल है कॉन्सटेंट जा रहा गेम चों, नौ ते चार तेरह चो दो घटाए ग्यारह लैमडा। ठीक है जी, सोलह ते चार भी ते नौ उन्ती प्लस उन्ती म्यू इज इक्वल टू जीरो। सो ये सिचुएशन जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल आ गई। सो दूजी सिचुएशन हैगी है तुहाडे कोल, सो तीन ती इत गलत करता ना, सो नौ ते दो ग्यारह चो चार कटे सत्त लैमडा, सत्त लैमडा प्लस उन्ती म्यू इज इक्वल टू तुहाडे कोल जीरो। ठीक है जी, ये सैकेंड इक्वेशन आ गई। तो जे सैकेंड इक्वेशन है ये तो ये मतलब सत्त लैमडा प्लस ट्वेंटी नाइन म्यू इज इक्वल टू जीरो, ग्यारह लैमडा
प्लस सैवन म्यू इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो जीरो पर आएंगे तो ही सैटिस्फाई होना, सोच के देखो एदा भी आंसर जीरो, एदा भी आंसर जीरो, करना तो कर लो, वैसे जीरो जीरो ही सैटिस्फाई होएगा क्योंकि एक ने कटना दूजी जीरो के बराबर है तो जीरो। सो सपोज तुम एवें करते भी हो तो सतर लैमडा प्लस उन्ती गुणा ग्यारह म्यू इक्वल टू जीरो, फिर सतर लैमडा प्लस उन्जा म्यू, जो तुम सबट्रैक्ट करोगे इन्हें जीरो हो जाना, वो बराबर जीरो दे तो म्यू जीरो ही आना, म्यू जीरो भरोंगे तो लैमडा भी जीरो ही आना। सो लैमडा तो म्यू थोड़े को जीरो आ गए, ठीक हो गया जी। सो इतने तक आप क्वेश्चन दे, एक ही क्वेश्चन होना वीडियो के पर एको क्वेश्चन आठ दस क्वेश्चन बुक दे करवा जाएगा। तो अगर आपे को जोड़ा हैगा ये चीज़ आप ठीक है, हूँ फोकस कितने है साडा, हूँ जो ना असं एनी पॉइंट ले साढ़े एनी पॉइंट से ए और बी मिल जाएंगे मैं लैमडा तो म्यू की वैल्यू मैं फिल करके ना तो ए ते बी की वैल्यू निकाल लूँगा। हूँ अपने कोल ए कौन सीगा, सो ए की वैल्यू सी थ्री लैमडा प्लस थ्री माइनस लैमडा प्लस एट, ठीक है लैमडा प्लस थ्री, जो लैमडा मेरा जीरो गया तो ए की वैल्यू आ गई तीन अठ ते तीन। इस तरह मेरा बी कौन सीगा, बी सीगा मेरा माइनस थ्री म्यू माइनस थ्री टू म्यू माइनस सैवन फोर म्यू प्लस सिक्स, म्यू मेरा जीरो गया माइनस तीन, ठीक है तो माइनस सत्त ते प्लस छे। सो ए वाली चीज़ आ गई, मैनू ए भी मिल गया मैनू बी भी मिल गया। मैं दोबारा बना देना लाइन, बार बार मैं उस पेज पर ना जाना पवे। जो मैं ए मिल गया थ्री एट थ्री हैगा, जो मैं मिल गया थ्री सैवन सिक्स आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का तरीका की है, इन दे विच डिस्टेंस फार्मूला। सो जो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाना है ये आजूगा तीन प्लस तीन एदा स्केयर, ए बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तीन प्लस तीन अठ प्लस सत्त का स्केयर, जिन्हों मर्जी दूजा मनो है, तीन माइनस छे का स्केयर। सो तीन ती है नौ, नौ ती है सो सॉरी छे है, छे तो छत्ती, छत्ती हो गया जी। उस तो बाद जेड़ा पंद्रह का दो सौ पच्ची, उस तो बाद अपने कोल नौ, दो सौ सत्तर थोड़ा टोटल आ गया, ठीक है जी। सो दो सौ सत्तर साढ़ा टोटल आ गया, यदा मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जेड़ा वो दो सौ सत्तर का रूट है, नाल यूनिट्स जरूर पाना, ठीक है जी। सो ये भी हो गया जी। हूँ आप इस नू लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कढ़ना है, अब थोड़े को थोनू पता है ना तीन अठ तीन, बी जड़ा है थोनू पता है कौन है जी माइनस तीन माइनस सत्त छे, एक्स वन वाई वन जैड वन एक्स टू वाई टू जैड टू। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी जे पिछले कड़े उस वैल्यू फिल कर दो या दोबारा कर लो, माइनस तीन माइनस तीन माइनस सत्त माइनस अठ छे माइनस तीन, सो माइनस छे पंद्रह नैगेटिव, तो तीन प्लस का कॉन्सटेंट चीज़ कॉमन चीज़ कट दे दी है। सो तीन दूनी छे तीन पाँच पंद्रह तीन एकम तीन माइनस पिछे चला गया, सो दो पाँच माइनस और पा के लिख दी, कॉमन उड़ाना है माइनस तीन ना डिवाइड किया है माइनस तीन ना डिवाइड किया है माइनस तीन ना डिवाइड किया है, क्योंकि ये रेशो है डी आर डायरेक्शन रेशो, डी आर डॉक्टर नहीं पढ़ देना, ठीक है। सो जड़ा है वह फिर थोड़ी डायरेक्शन हो गई। हूँ की है इक्वेशन ऑफ ए बी होंगी एक्स माइनस एक्स वन बटा एल वाई माइनस वाई वन बटा एम जैड माइनस जैड वन बटा एन एक्स वन वाई वन जैड वन जिसों तुम पास कर दो। सो इत तीन वाई माइनस अठ जैड माइनस थ्री एल एल आ गया तो पास जो तुम डायरेक्शन दो पांच माइनस वन। सो ए वाली चीज़ भी आपने लभ ली थोड़े को, ठीक है जी। तो हूँ अगर कॉमन ना कट के बुक च आंसर होया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, पर रेशो कट दो तो वधिया रहिंदा, पर कई बुक्स च आंसर का फर्क है, फिर बाद तुसी कहो मेरा तो जी आंसर च फर्क पै गया। सो ऐसा कुछ नहीं है। तो जे मैं इस नू वैक्टर फॉर्म च लिखना होवे ए बी इक्वेशन इन वैक्टर फॉर्म, तो वैक्टर फॉर्म विच आर अपने कोलों लिखी दा जी चो पास कर दियो तीन नाल आई अठ नाल जे ते तीन नाल के लैमडा
ठीक है, लैमडा या म्यू थोड़ा दो नाल आई पांच नाल जे माइनस वन ना के। तो जिहड़ा इसका आंसर बुक विच इत्थे दो दी बजाय ना माइनस छे है माइनस पंद्रह ते तीन। सो ये कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी तुहाडे पास, ते ओ लेना चेंज नहीं होंदी क्वेश्चन दे आंसर दे विच। ठीक है जी। सो अगर लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पार्ट तुहाडे क्वेश्चन का पार्ट रहा, ठीक है, तो तुसी चाहे वैक्टर होवे चाहे कार्टीजियन होवे तुसी उसनों पूरा, क्योंकि शुरू च सवाल वैक्टर सीगा तो फिर आपने उन्हों आंसर भी एंड च वैक्टर, मतलब देखो पेपर दो होंगे फाइंड द वैक्टर इक्वेशन, मौज लगी वैक्टर इक्वेशन पूछी है, बट अगर नहीं पूछा वैक्टर इक्वेशन है या कार्टीजियन इक्वेशन है तो तुसी ये देखना है ओरिजिनली इक्वेशन किदा दिती हुई सी। अगर ओरिजिनली इक्वेशन दिती हुई सीगी तुहाडे पास वैक्टर्स, दैन आंसर वैक्टर्स निकालने की कोशिश करो। ठीक है जी। सो ये चीज़ जिहड़ी हैगी तुहाडे पास आपां ने देखना हैगा। हुण जिहड़ा हैगा कुछ माड़े मोटे क्वेश्चन जिहड़े हैगे रह गए, मेरे पास स्ट्रेट लाइन आलमोस्ट फिनिश है, कोई बहुता लंबा छोटा चक्कर है नहीं, फिर भी जो कोई पेपर वाला बच गया हो, क्योंकि है स्ट्रेट लाइन वाली एक्सरसाइज क्वेश्चन, बट उन्होंने फाइंड द प्लेन इन विच दे आर को प्लेनर, मतलब इन विच दे लाई इदा दे क्वेश्चन हैगे, उन्होंने आपां नूं प्लेन चाहिए हैगा, तो स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन की सिचुएशन है। चलो इन्ना कर लो जी, बाकी नैक्सट देखते हैं। थैंक यू।